आपको फोन लेने के बाद हमको बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि पहली बार हमने बजाज फाइनेंस से फोन खरीदा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। और हम मतलब कि इससे मतलब बहुत पैसों की मतलब बचत भी हुई है, मतलब कम किस्तों में भी फोन मिल रहा है, अच्छा खासा फोन मिल रहा है। 8 GB रैम है इसकी और 128 GB रोम है इसकी। सॉरी 8 GB नहीं, इसकी 6 GB रैम है, 128 GB रैम है। तो दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे रेडमी 12 5G जो कि हमने सेल किया है। और इसकी रैम रोम क्या है मैं आपको बता दूँ, 6 128 इसकी रैम रोम है। देखिए आप, ये रेडमी 12 5G है, ये देखिए रेडमी 12 5G। और इसमें जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 4th generation है, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। यानी ये प्रोसेसर वाला अगर फ़ोन लोगे तो आपका फ़ोन हैंग होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम रहेगी। ये देखिए इसकी जो डिस्प्ले बहुत शानदार है, 50 MP ये ड्यूल कैमरा है और 8 MP इसका फ्रंट कैमरा रहेगा। और ये रहेगा, ये देखिए 6 128 है, ठीक है। तो अभी मैं इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे भी रेडमी 12 5G लिखा हुआ है, 6 128 है। इसका जो फिनिशिंग और डिजाइनिंग कितना बढ़िया आप देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए जिस कस्टमर ने ये फ़ोन लिया है वो इस फ़ोन का अनबॉक्सिंग करेंगे। ये देखिए क्या नाम है भाई साहब आपका? श्रवण कुमार। ये श्रवण कुमार नाम है। तो श्रवण कुमार अभी इस फ़ोन को अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सावधानी, ज़रा सावधानी से, धीरे धीरे कट करो क्योंकि नया फ़ोन है। तो देखिए उन्होंने सील को ओपन कर दिया है और एक मिनट अभी तक ये सील कम्प्लीटली ओपन नहीं हुई है। हाँ सील ओपन हो गई, अभी इस फ़ोन को ओपन कीजिए, बॉक्स को ओपन कीजिए। तो दोस्तों देखिए ये अपना बॉक्स है और ये रहेगा अपना फ़ोन। फ़ोन को थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखते हैं। देखिए ये फ़ोन मैं आपको पूरा कम्प्लीटली ओपन करके मैं दिखाऊंगा, तो उसको साइड में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए इसके अंदर क्या है और क्या क्या सामान है मैं आपको दिखाऊंगा। सिम ट्रे रहेगी, ये देखिए सिम टूल किट ओपन रहेगा। और मेन इंपॉर्टेंट बात ये कि इसके अंदर कवर रहेगा, ये कवर भाई साहब बाहर निकालिए एक बार। ये देखिए ये कवर रहेगा, ये कवर है, तो कवर को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। और ये रहेगा, ये देखिए ये यूजर मैनुअल रहेगा जिसे आप रीड कर सकते हो, इसके अंदर क्या फंक्शन है क्या फंक्शन नहीं है, तो उसको भी साइड में रख देते हैं। और ये देखिए ये रहेगा चार्जर, रहेगा चार्जर कितने वॉट का मैं आपको दिखाता हूँ। ये 22.5 वॉट का है जो कि बहुत ही बढ़िया है, यानी कि इसकी कैपेसिटी इतनी रहेगी अगर आप एक घंटे में चार्ज करोगे तो ये लगभग 100% हो जाएगा। 22.5 वॉट का है, तो उसको साइड में रख देते हैं। और उसके साथ में जो केबल रहेगी, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहता है इसकी जो केबल रहेगी वो कौन सी रहेगी। इसकी ये टाइप सी केबल रहेगी, बहुत ही अच्छी केबल है जो वाइट कलर में है। तो अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, ये देखिए मैंने पूरा आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया, अभी वापस से अंदर डाल देते हैं। ये देखिए मैं वापस से अंदर डाल रहा हूँ। और ये है हमारे साहिल भाई, ये देखिए साहिल भाई, जब भी हम फ़ोन बेचते तो साहिल भाई हमारे पास में ही रहते हैं। तो अभी हम फ़ोन को ओपन करके दिखाएंगे, यानी कि जिस कस्टमर को चाहिए फ़ोन वो कस्टमर हमारे सामने ही है। फ़ोन मत करना। अच्छा इसको ओपन नहीं करने का, तो ठीक है हम इसको ओपन नहीं करेंगे। वैसे साहिल भाई मना कर रहे हैं, ये देखिए साहिल भाई कुछ कर रहे हैं। देखिए स्कैनिंग वगैरह उनका जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो इनका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही अपन ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसा लग रहा है फ़ोन लेने के बाद आपको? फ़ोन लेने के बाद हमको बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि पहली बार हमने बजाज फाइनेंस से फ़ोन खरीदा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। और हम मतलब कि इससे मतलब बहुत पैसों की मतलब बचत भी हुई है, मतलब कम किस्तों में भी फ़ोन मिल रहा है, अच्छा खासा फ़ोन मिल रहा है। 8 GB रैम है इसकी और 128 GB रोम है इसकी। सॉरी 8 GB नहीं, इसकी 6 GB रैम है, 128 GB रैम है। ये आपको बता दूँ ये भी अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बहुत ही बड़ा यूट्यूब चैनल है। वैसे आपको तकलीफ तो नहीं, आप कैमरे के अंदर आ रहे हो? नहीं नहीं उनको कोई तकलीफ नहीं है, तो ठीक है अभी हम उनकी परमिशन लेके फ़ोन को चालू करके हम दिखाएंगे। वैसे फ़ोन की पहली झलक तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, खोलिए एक बार फ़ोन को, चालू नहीं करना। तो पीछे से आप दिखाइए एक बार, पीछे से ये देखिए, ये ब्लैक कलर का रहेगा, बहुत ही शानदार फ़ोन है। इसके अंदर एक और कलर आता है, वो थोड़ा लाइट कलर आता है, लेकिन वो दिखने में इतना मज़ा नहीं है जितना ब्लैक में मज़ा है। यानी ब्लैक में क्या रहता है कि अगर कोई दाग वाग लग जाए तो भी वो दिखने में नहीं आता, इसलिए ये कलर बहुत ही हर किसी का फेवरेट कलर रहता है। अगर आपका भी ये कलर फेवरेट ब्लैक कलर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
ये देखिए ये पूरा बहुत ही शानदार है। और ये देखिए ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा जो कि बैक कैमरा रहेगा। इसके नीचे ये लेंस रहेगी और ये रहेगी फ्लैश लाइट रहेगी। और ऊपर की तरफ अगर अपन देखें तो ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ ये देखिए ये हेडफोन जैक है 3.5 mm का। और इसके अपोजिट साइड में ये देखिए स्पीकर रहेगा और ये टाइप सी पोर्ट रहेगा और ये रहेगा माइक रहेगा। और इसके इस साइड में देखिए यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस का ये बटन रहेगा और उसके नीचे पावर ऑन ऑफ का बटन रहेगा और इसमें फिंगरप्रिंट भी इंक्लूड है। और उसके अपोजिट साइड में देखिए यहाँ पे सिम ट्रे रहेगा। तो ये देखिए बहुत ही शानदार फ़ोन है। और इसकी जो डिस्प्ले रहेगी फुल HD प्लस से ये डिस्प्ले रहेगी और इसके ऊपर जो गोरिल्ला का जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है जो बहुत अच्छी बात है। कैमरा रहेगा ये 8 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा। तो अभी हमारे साहिल भाई जो फ़ोन को ओपन करने जा रहे हैं तो अभी हमारा जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो चुका है। तो ये देखिए ये है हमारे पंकज भाई जिन्होंने ये फ़ोन ख़रीदा है और ये रहेगा ये Redmi 12 5G फ़ोन। तो अभी मैं आपको ये पूरा कैमरा क्लियरिटी वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा और ये रहेगा उनके दोस्तों में बहुत ही उत्साह है क्योंकि उनके जो दोस्त है पंकज भाई ने फ़ोन ख़रीदा है। तो मुझे लगता है कि पंकज भाई से ज़्यादा उनके दोस्त ही फ़ोन यूज़ करेंगे। तो क्या नाम है आपका? ललित। ओहो ये है श्रवण भाई, देखिए ये जो ब्लू शर्ट में खड़े है और ये है ललित भाई। तो अभी हम फ़ोन को थोड़ा कैमरा वैमरा आपको दिखाते हैं। इसका जो ब्राइटनेस है A to Z मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए इसका जो ब्राइटनेस है मैं तेज़ करके दिखाऊंगा। तो इसका जो ब्राइटनेस है वो ये है, कितना अच्छा ब्राइटनेस है देखिए। और इसका जो रिफ्रेश रेट है वो भी ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो 21 सेकंड में ही ओपन हो जाएगा। बोले तो इसका जो रिफ्रेश रेट है बहुत ही शानदार है, ठीक है। ये इसका जो टच है, टच रेस्पॉन्स भी बहुत ही शानदार है। आप कैसे भी यूज़ करो उसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अभी हम इसका जो कैमरा है वो ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि कैमरे की वजह से ही लोग फ़ोन खरीदते हैं। तो यहाँ पे अपने कैमरे को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए ये इसका कैमरा रहेगा। ये देखिए कैमरे के अंदर उनकी जो क्लियरिटी है वो कैसी आ रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही शानदार कैमरा है। और इस कैमरे के अंदर क्या क्या फंक्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो का भी ऑप्शन है, ये फोटो का भी ऑप्शन है, पोर्ट्रेट मोड, तो पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन रहेगा। Redmi 12 5G अगर आप ले रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि ये पोर्ट्रेट का मोड ऑप्शन नहीं होगा तो है इसमें। और ये देखिए नाइट में भी आप शूटिंग ले सकते हो, बहुत ही शानदार आएगी। और ये रहेगा 50 मेगापिक्सल का कैमरा। तो फाइनली अगर आप 50 मेगापिक्सल कैमरे से शूट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसका जो सेल्फी उसका अपन जूमिंग ट्राई करते हैं। इसका जो जूमिंग है वो कितना है ये देखिए। इसका जो जूमिंग है, जूमिंग बहुत ही शानदार है। थोड़ा बाहर की तरफ करो। ओके, ये देखिए इसका जो है ये जूमिंग रहेगा। ये देखिए, यानी कि ये जो चीज़ है आपको जो दिख रही है ग्राम पंचायत करके, तो बहुत ही दूर चीज़ है लेकिन आपको तो ये देखिए जूमिंग कैपेसिटी भी बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो अभी हम इसको सेल्फी कैमरा ओपन करते हैं, सेल्फी कैमरा कैसा है। तो दोस्तों ये देखिए इसका सेल्फी कैमरा रहेगा। थोड़ा मैं ये जूमिंग बंद करता, ये इसका सेल्फी कैमरा रहेगा। तो बहुत ही शानदार फ़ोन है। अगर आप ये फ़ोन ख़रीदना चाहते हो या फिर अगर आपने ये फ़ोन ख़रीद लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।